जय हिंद। हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी एमटीएस एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से कैसे फिलअप करना है इसके बारे में, जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को मोबाइल से घर बैठे रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर पूरी जानकारी चेक कर लीजिएगा कि बेसिकली इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। एंड क्वालिफिकेशन मैं आपको बता ही देता हूं कि 10वीं पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी की जो जानकारी है वो भी आप यहां पर चेक कर लीजिएगा। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस पर पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपको यहां पर अपना यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपको मिला था, ये जो आपने क्रिएट किया था, वो यहां पर आपको डालना है और फिर कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। बट अभी बात उन कैंडिडेट के बारे में करते हैं जिन्होंने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है बट वो पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वो कैसे इसको रिकवर कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहां से आपको वो स्टेट चूज करनी है जो स्टेट आपने फॉर्म को फिल करते समय इस्तेमाल की थी। फिर यहां पर या तो आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है या फिर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया था। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा। आपको इनमें से कोई भी एक ओटीपी यहां पर डालना है और जो कैप्चा कोड यहां पर दिया है आपको फिलअप करना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहां पर आपके सामने पासवर्ड को रिसेट करने का ऑप्शन तो मिलेगा ही, साथ ही आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देख सकते हैं। अब आपको अपना पासवर्ड रिसेट कर लेना है। यहां पर आपको एक पासवर्ड डालना है जो कि आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट का यूज होना चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहां पर डाला है उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है तो आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। इसके बाद आपको होम पेज पर आना है, होम पर क्लिक करके और फिर यहां पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर करना है। जो पासवर्ड है आपको पासवर्ड यहां पर डालना है, ये सिक्योरिटी कोड या फिर ये जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है आपको यहां पर फिलअप करना है और उसके बाद लॉग इन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों बात करते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जिन्होंने एसएससी की वेबसाइट के ऊपर अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, उनको यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड के नीचे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल्स सबसे पहले फिलअप करनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कन्फर्म करना होगा। फिर आती है आपकी टाइप ऑफ आईडी, तो आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी। तो जो भी आपके पास इनमें से आईडी है वही आईडी आपको सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहां पर डालना होगा। फिर जो भी आपका नेम है वो यहां पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर वेरीफाई नेम यानी कि आपको दोबारा से डाल करके यहां पर जानकारी को वेरीफाई करना होगा। हैव यू एवर चेंज नेम यानी कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस कीजिए और यस करने के बाद आपको यहां पर न्यू नेम या फिर चेंज नेम लिखना होगा। फादर नेम यहां पर आपको अपना एंटर करना है और यह भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। इसके बाद आपके अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आप इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम भी दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। अब आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। यहाँ पर आपको पहले जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर बैक में जाकर के अपना ईयर चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1997। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए ताकि आपको सभी ईयर यहाँ पर नज़र आ सके। तो यहाँ से आपको अपना ईयर चूज करना है और करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। फिर दोस्तों यहां पर आपके सामने है मैट्रिकुलेशन 10th की जानकारी, तो आपको आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से की थी वो बोर्ड यहां से आपको चूज करना होगा। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोबारा से यहां पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 10th का रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10th पास कर ली थी। फिर आपको वो ईयर दोबारा से डाल करके चूज करना होगा, यानी कि आपने अपनी जानकारी जो कि 10th आपने किस ईयर के अंदर पास की थी उसको दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा से डाल करके फिर वेरीफाई करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका हायर लेवल
क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर है स्टेट यूटी वो परमानेंट एड्रेस, तो आपकी परमानेंट एड्रेस की कौन सी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी है इन सभी को आपको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अच्छे से कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पोर्टल एंड इट शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 14 डेज। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन इज पार्सल एंड इट शुड बी कम्प्लीटेड, यानी कि 14 दिन के अंदर कम्प्लीट किया जाएगा और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल चुका है। तो आपको यहां से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहां पर एंटर करना है और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहां पर डालना होगा। तो यहां पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी एंटर की थी इस ईमेल के ऊपर आपको एसएससी की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया गया है। तो वो पासवर्ड आपको यहां पर डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है वो फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको पासवर्ड रिसेट करने की जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको यहां पर ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है जो पासवर्ड अभी आपको मेल के माध्यम से मिला है। फिर आपको यहां पर एक न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। तो आपको यहां से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और फिर जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया है यानी कि चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहां पर भरना होगा और भरने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहां पर फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि अभी तक आपने फिलअप की है। तो आपको इनको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों अब आपको अपनी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से यहां पर इसको कंफर्म करना है। नेशनलिटी आपकी क्या है वो यहां से आपको चूज करनी है। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहां पर जानकारी देनी होगी। जैसे कि मैं लिखने वाला हूं मोल ऑन माय चिक, यानी कि मेरी गाल के ऊपर तिल है। तो कोई भी अगर आपके बॉडी के ऊपर निशान है उसके बारे में आपको यहां पर जानकारी दे देनी है। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी विकलांग कैटेगरी भी यहां से सिलेक्ट करनी होगी। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहां पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहां पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूं। आपको सेम तरीके से ये जानकारी भरनी होगी। इसमें दोस्तों ध्यान दें कि आप जानकारी अपनी आईडी के अनुसार ही भरें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहां से चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को या जिस स्टेट में भी आपका एड्रेस पड़ता है। इसके बाद यहां पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहां से सहारनपुर से बिलोंग करता हूं इसलिए सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूं। पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे बोला जा रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, तो अगर अदर नेशनल्स की आप जानकारी देना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है सभी को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि जानकारी सेव हो जाए और इसके बाद आपको यहां पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है या फिर आप यहां पर जो आपके सामने डिक्लेरेशन आया है इसको एक बार रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहां से आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनली फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको मोबाइल और ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड किया गया, आप इनमें से कोई भी एक ओटीपी डाल करके यहां पर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप डैशबोर्ड में आ जाओगे, यहां पर आपको देखने को मिल
पा रहे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर अभी भी आप अपनी जानकारी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी जानकारी को अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया, इसके बाद आप कोई भी जानकारी अगले फॉर्म भरने तक मॉडिफाई नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन का सेक्शन आएगा, या फिर आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा और इसके बाद में आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट देखेंगे। आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी है वो दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है और इस बुक को पब्लिश किया गया श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर में आपको यहाँ पर एक एक करके अपनी प्रेफरेंस चूज कर लेनी है कि आप किस लोकेशन को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो अपने एग्जाम सेंटर के लिए। इसके बाद है वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की, क्या आप वो चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो इसका मतलब यह कि आप एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट हो और आपकी एज ओवर हो चुकी है, इसलिए आप इसके अंदर छूट चाहते हैं। अगर आप एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट है बट अभी आपकी एज ओवर एज नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर नो करना है। तो चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रेफरेंस ऑफ स्टेट, यानी कि आप कौन सी स्टेट को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से इसको चूज करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको नीचे डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके देख लेना है कि कौन सी स्टेट को किस कोड के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये उत्तर प्रदेश है। अगर आप उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में आपको के डालना है, और इसके बाद आप दिल्ली को सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आपको सेकंड वाले बॉक्स में जी डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डाल करके दिखाता हूँ, पहले में हम यहाँ पर के लिखते हैं, सेकंड में हम यहाँ पर जी लिखते हैं। इसी प्रकार से आप सभी स्टेट को प्रेफरेंस देना चाहते हो दे सकते हो अगर आप देना चाहते हो, नहीं तो आपको मान लीजिए दो ही प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर थर्ड बॉक्स में एक्स एंटर कर दीजिए, एक्स एंटर करके यहाँ पर ओके कर दीजिए। इसका मतलब यह कि आपको सिर्फ इन्हीं दो को प्रेफरेंस देनी है, बाकी को नहीं देनी है। जिन स्टेट को आपने प्रेफरेंस दी है फिर आपको नीचे वेरीफाई प्रेफरेंस ऑफ स्टेट में उनके कोड डाल करके उनको वेरीफाई कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से इनको वेरीफाई कर देते हैं। ये हमने यहाँ से इसको वेरीफाई कर दिया है। इसको करने के बाद नीचे आता है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चूज कर लेनी है। मैं यहाँ से 12th सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन है वो, तो यहाँ पर इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं या उसके बराबर की योग्यता मांगी है, तो हम यहाँ से 10th सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना स्टेटस चूज करना है कि आपने पास कर लिया या अभी आप कर रहे हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पासिंग ईयर, यानी कि आपने किस ईयर के अंदर पास की है। अगर आपने पास स्टेटस सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको बोर्ड, आपकी कौन सी स्टेट का बोर्ड है वो आपको चूज करना है, तो यानी कि किस स्टेट से की है। तो चलिए हम यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है नेम ऑफ बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से की है। अगर आपने इस बोर्ड से की है जो कि स्टेट बोर्ड है तो ये सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं। रोल नंबर आपका क्या था, रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, और इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के कितनी परसेंटेज थी वो यहाँ पर आपको लिखनी है। ये लिखने के बाद दोस्तों आपको नीचे डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, तो बेसिकली इसमें आपको नो करना है, क्योंकि अगर आप यस करोगे तो आपको एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आते रहेंगे ऐसे ही, जो कि आपके काम के नहीं भी है, तो ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आपको उस पर यस करना है या फिर नो करना है।
इसके बाद में गाइज आपके सामने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जो आपका फोटो है ये आपका 21 अप्रैल 2023 के बाद का लिया होना चाहिए एंड फोटो के ऊपर डेट लिखना अनिवार्य नहीं है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट वो जो आप डेट लिखेंगे वो 21 अप्रैल 2023 के बाद की होनी चाहिए। वैसे अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोटो का साइज 20 से 50 के भी रखा है और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। एंड जो डायमेंशन है ये भी यहाँ पर आपको दिया है। डायमेंशन चाहे आपका कम ज़्यादा भी क्यों ना हो तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर साइज 20 से 50 के बी के बीच में ना हुआ तो आपका फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो अभी गाइज आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके अपलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर गाइज मैंने फोटो एंड साइन अपलोड कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों चीज अपलोड हो चुकी है। अभी आपसे 27 पॉइंट में पूछा कि क्या ये आपका फोटो 21 अप्रैल 2023 के बाद का लिया है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में नीचे आइए, यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन है, आप इसको रीड करेंगे। यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चर कोड फिल करेंगे एंड देन आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर कोई जानकारी चेंज करनी है तो एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अभी आपका फॉर्म प्रोविजनली सबमिट हो जाएगा, अब आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है।